हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एएस एडिट्स में। तो गाइस, आज हम एडिटिंग करने वाले हैं कुछ विजय मार के कॉन्सेप्ट पर, जो कि उन्होंने रिसेंटली अपलोड किए हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर। तो गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, हम पहले क्या करेंगे गाइस, अपना बैकग्राउंड ले लेंगे। आप गाइस अपना बैकग्राउंड ले लेंगे। गाइस ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। फुल HD में बैकग्राउंड है। एंड हम यहाँ से इसे ऐसे सेंड शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो हमने इसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया है। इसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया है। तो वैसे हम क्या करना है गाइस, हमें अपना मॉडल लेकर आना है यहाँ पर। तो गाइस हम मॉडल ऐड फोटो पे जाएंगे। गाइस अपना मॉडल ले आएंगे यहाँ पर। एंड गाइस हम जाएंगे फ्री क्रॉप में, कटआउट में चलते हैं। चलो गाइस हम कटआउट में जाने जाके क्लिक कर देंगे। तो गाइस थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारा। तो गाइस मैं कर दूं जल्दी से फिर इसे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से रेस कर देता हूँ इसे। तो गाइस हमने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रेस कर लिया है, जो कि इजीली कर लिया है हमने। बस अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस हमें इसे बैकग्राउंड से मैच करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड से मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें पहले इसकी, तो गाइस यहाँ पे हमें एडजस्ट में जाना होगा। एडजस्ट में जाएंगे एंड इसकी थोड़ी सी मतलब लाइटनिंग घटाएंगे एंड कंट्रास्ट को थोड़ा कम कर लेंगे। ओके गाइस, एंड क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा एंड सैचुरेशन को कम कर देंगे, सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे। एंड हाइलाइट्स, हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड शेडो, शेडो को थोड़ा सा कम कर, मतलब बढ़ा ही देंगे, ज़्यादा नहीं, +6 कर देना। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर को -10 कर देना आप। तो गाइस आप सब देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड से मैच हमारा मॉडल हो गया है। तो गाइस इनका हमारे मॉडल का फेस स्मूथ नहीं है, तो हम फेस स्मूथ करेंगे। एंड अब मैं इन पे हेयर PNGs लगा दूँ। तो गाइस मैंने हेयर PNGs अपने पास से बनाए हैं, अगर आपको नहीं आते तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, मतलब बनाना सीख जाना। तो गाइस हम यहाँ से अपने PNGs को ले आएंगे, हेयर PNG को यहाँ क्रॉप में जाएंगे, इसे यहाँ से क्रॉप कर देंगे गाइस। एंड यहाँ से प्लस ओके कर देंगे। एंड गाइस यहाँ से ओके कर देंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ना होए। तो गाइस आपको इरेजर पे जाना है एंड इरेजर की आपको हार्डनेस बिल्कुल लो कर देनी है। एंड यहाँ पे आपको फेर देना है इसे ऐसे। गाइस थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं इधर। एंड दोबारा से हम इरेजर के में जाएंगे एंड अब यहाँ से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसको इरेज कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो गाइस हमारे हेयर भी परफेक्टली इस पे लग गए हैं। एंड इसमें एडजस्ट में जाएंगे थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा वैसे कर देंगे जैसा हमने मॉडल को करा था अपने। सेचुरेशन कम कर देंगे इसकी भी, सेचुरेशन कम कर दे। और गाइस यहाँ से आप प्लस का आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस हमें फेस स्मूथ करने के लिए हमें एप्लीकेशन में जाना होगा, एयर ब्रश एप्लीकेशन में, जिसमें काफ़ी अच्छे स्मूथ होता है। तो गाइस हम यहाँ पे से जाएंगे ड्रॉ टूल में जाएंगे, ड्रॉ में आकर
प्लस मतलब थ्री डॉट पर क्लिक कर करा फिर कर देंगे सेव इमेज। तो गाइज हमारा सेव इमेज हो जाएगा। तो गाइज हम अब चलते हैं एयर ब्रश एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज हम आने वाले मतलब पहुंच गए हैं मतलब एयर ब्रश एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज मैं बता दूँ गाइज ये रोटेट नहीं होती है, तो मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी। तो गाइज हम दोबारा से पिक्सार्ट एप्लीकेशन में जाएंगे एंड इसे ले लेंगे। एंड यहाँ पे आपको स्मूथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्मूथ में जाना है। पहले सिंगल स्मूथ ले लेना है आपको। सिंगल स्मूथ लेकर इसके मतलब माथे पर फेर देना है, कान वान पे सब जगह आपको डाल देना है। एंड डबल स्मूथ का भी मैं प्रयोग बता दूंगा आपको कि कैसे करना है आपको उसे यूज़। तो गाइस यहाँ से भी आप सब कर देना है एक साथ। गाइस यहाँ हाथ पे भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं जिससे कि हाथ भी हमारे रियल लगे। एंड गाइस अब आपको आ जाना है डबल स्मूथ में, और डबल स्मूथ में आके गाइस आपको ऊपर ही फेर देना है माथे पर जहाँ पे हमने मतलब जो हमने सिंगल उससे करा आपको ये उससे डबल से दोबारा करना है। तो गाइस हम डबल से भी दोबारा कर देते हैं, ये डबल से हो चुका है। हाथ पर भी इसे डाल देते हैं थोड़ा इफेक्ट स्मूथनेस का। तो गाइस मैं बता दूं ये बिल्कुल फोटोशॉप जैसा स्मूथ करता है, जो कि काफ़ी इजीली स्मूथ कर देता है एंड मतलब एकदम रियल फोटो बनाता है। तो गाइस मैं दिखा दूं कि पहले मॉडल का फेस कैसा था एंड अब, तो गाइस काफ़ी फर्क पड़ रहा है हमारे मॉडल पर। देखिए गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर। एंड यहाँ से हम कर देंगे इसे राइट। तो गाइस हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। तो गाइज हमारी वीडियो यहीं तक थी, और आपको एयर ब्रश में जाके ऊपर वाले आइकन पर डाउनलोड का आइकन है यहाँ पे आपको सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। तो गाइज अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।